नमस्कार, News24 राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात गुलाबी शहर जयपुर में सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कुछ लोगों की साजिश को लेकर है, क्योंकि जयपुर के शास्त्री नगर में एक 7 साल की मासूम बच्ची का दुष्कर्म हुआ, जिसके खिलाफ में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी धर्म के लोग सड़कों पर आए, उन्होंने विरोध जताया और इन लोगों का यही कहना था कि जिसने भी दुष्कर्म की इस घटना को अंजाम दिया है उस अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी पूरे जयपुर की जनता इस पूरे मसले को लेकर एकजुट थी, लेकिन इस घटना को लेकर बवाल कुछ इस कदर मचा कि दो धर्म दो समुदाय आपस में ही लड़ बैठे। कई गाड़ियों को तोड़ा गया, पथराव, जैसे आपको मैं दिखाऊंगा, ये टैक्सी है, इसके पूरे कांच तोड़ दिए गए। इस पूरे मोहल्ले में कई मकान आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके दरवाजे तोड़ दिए गए, खिड़की तोड़ दी गई और सामान को भी इस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, जिसके चलते लोगों में काफ़ी गुस्सा है, भय है, आक्रोश है। आखिरकार क्यों जयपुर शहर के इस सांप्रदायिक सद्भाव को ग्रहण लग गया, हम बातचीत करते हैं जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा क्या हुआ था उस दिन, आप ये बताइए। जी सर, ये करीब 200-250 के करीब लड़के थे जो झगड़ा करने आए थे, और हमें मैच खेलने गए थे। हमारे को तो वहाँ पर सूचना पड़ी भाई यहाँ झगड़ा हुआ, टूट फूट हुई, बस ये हम यहाँ आके देखा। नहीं भाई साहब, आपने भी सुना होगा कि एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। मैंने भी देखा था कि सब समुदाय के लोग आए थे, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, क्या ये बात सही है? हम भी करते साहब, अभी भी कर रहे हैं कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जो भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, पकड़ा जाए। लेकिन और जो 500-700 आदमियों की टोली रैली निकाल के चारों तरफ गाड़ियों पे हल्ले मचाते हुए आए और इधर से आए, रास्ते में 50-100 गाड़ियाँ खड़ी थी, उनको कुछ किसी को भी नुकसान ना पहुँचा के इस गली में घुसते ही हमारे जो मकान थे हिंदुओं के, उनको देखा और उनको नुकसान पहुँचाया, उनके गेट तोड़ दिए। उन्होंने हमारे जो है हमारा भाई है एक है, उसको मारने के लिए दौड़े, वो अपने घर में घुस गया, उसको अपनी जान बचाई गेट रोक के। कौन लोग थे ये कुछ पता लगा कि मतलब ये गुंडे टाइप के लोग थे? गुंडे टाइप थे साहब, पूरे गुंडे हैं, क्योंकि हाथों में सबके तलवारें थी, तलवारें थी, लकड़ियां थी, होती गलियों में फतराव करके गाड़ियां। क्या 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 आप कुछ बता रहे थे कि नारेबाजी करते हुए आए थे क्या? हाँ, वो इसलिए भी नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर ये वगैरह ये, और काफी टोलियां थी उनके साथ, और हम मतलब हाथों में कुछ हथियार भी थे और कुछ पत्थर वगैरह भी थे तो फेंकते हुए, और एक तो शीशा ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, गेटों के पत्थर मार दिया उन्होंने, और हमारे लड़के जब निकले तो उनके पीछे नारे के अंदर लगवाया था पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाज। यहाँ पे झुंड के झुंड खड़े थे 250-300 जने, और सादे समझो इधर से पत्थरबाजी तलवारबाजी उनके हाथ में थी सारों के, और हमारे हमारे जो भी बंदे थे ना सारे काम धंधे में थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनमें से एक बच्चे का सर फटा हुआ है। आप चलो आप उस दो बच्चे से पूछो, उस बच्चों की मतलब किसने उसका उतरी, उनने क्या बच्चों। आप मेरे को बता रहे थे ये कि आज आपने छुट्टी भी ऑफ भी ले रखा, छुट्टी ले रखी है, क्यों? सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कि दोबारा झगड़ा नहीं हो सकता, इसलिए कल तो हम थे नहीं, कल ड्यूटी गया हुआ था, मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि अब आए वो लड़ने के लिए तो हम तैयार हैं। लेकिन ये जो आपका मोहल्ला है ना, कभी इसको हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी कहा जाता है कि नहीं लड़ेंगे, बाकी सब जगह होता था लेकिन यहाँ नहीं लड़ते थे, क्यों नजर किसकी नजर लगी? सर अभी भी सत्य ही है बात, अभी भी हम हिंदू मुस्लिम भाई हैं, बाकी ये जो संतराए हैं दंगा फैलाने वाले यही हैं, ये क्या इस बच्चे की आड़ के अंदर ये सारा नाटक कर रहे हैं, इन्हें ये सांप्रदायिक दंगा करवाना चाह रहे हैं। हिंदू मुसलमानों को कौन लड़वाना चाह रहा है ये बताओ, तो भाईचारे में रहना चाहते हैं, कौन लड़वाना चाह रहा है, कौन है? हम भी पूछ रहे हैं कौन है जो आप लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, आप तो प्रेम से रहते हैं। हाँ तो ये कौन लड़वा रहा है इसका ही तो पता करो, इन अपराधियों को पकड़ के पूछा जाए, इनकी गांड पे दे एक के देखो तो दूसरा बताएगा। 10 दिन के अंदर जो ये दो कांड हुए हैं, ठीक है, मतलब बच्चे के साथ जो हुआ है, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है, बहन बेटियां सबकी है, ठीक है, उसके खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई करो सर। आपने भी देखा था क्या हुआ था? ये समाज यहाँ पे हमारी दोनों गाड़ी है, हमारी दोनों को ये जो ऑटो टूटा हुआ हमारी भी है, वो दूसरी गली में भी और भी है, और तलवारें छुरी चाकू लेके आए थे क्या, सब बंदे काम पे गए थे, बंदे सब सारे जन सबको बंदे को पता नहीं था, ये पता होता था हम थोड़ी जाते क्या, इसमें हमारे को अब अपने को ये नहीं चाहते क्या किसी का एक दूसरे का नुकसान हो क्या। अब काम हुआ बिधर तो अपने को मतलब क्या है इधर से आने का, वो आगे चारों तरफ से अगर नुकसान होगा सर उनका भी होगा, नुकसान होगा चारों तरफ से, वो आगे है तो अपने को इससे कोई मतलब ही नहीं है, भाई तुम्हारा भीतर हुआ है तो हमारा कोई मतलब क्या है? देखो जो हुआ गलत हुआ, आप गलत। देखिए अब यहाँ पे कुछ महिलाएं भी है, मैं बात करता हूँ माता जी। भाई जी हमारे दो लड़के हैं ना,
मर जाते कल जन बच्चे मेरे, दो तीन दोए थे और चार लड़के छोटे, और एक लड़की गुग्गा की मेरी सासरे से आई हुई है घर पे, वो और जान बचाई उन्होंने। क्या हो गया था? गेट टूट गया, गेटों में से मारे लकड़ी धमा धम, वे आए वे मुसलमान। अच्छा, कोई आए थे जो गुंडे टाइप थे? बोलो गुंडे। मैं देखे कुछ और लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि इन्होंने वो दहशत का मंजर भी देखा है। माता जी, घर में बाटा आया, बाटे पत्थर मारे, पत्थर ऊपर चदरा के ऊपर है, यहाँ गेट के ऊपर है, कुंडी लगा के ऐसे जोर कर है, जो धक्का लगा के है, नहीं जान रखी, बहुत है नहीं, बहुत हमला है जो को कर गया। लेकिन आपका मोहल्ला पहले तो ऐसा नहीं था, कभी लड़ाई नहीं होती थी किसी धर्म वर्म को लेकर? अब हो रही है। कल जान बचाई, हम घर पे ही नहीं है, बच्चा मर जाता। आप मेरे घर के पास चलो पहले, वहाँ पे बोलूंगी, वहाँ बताऊंगी, बॉडी भी बताऊंगी। जब मियों के घरों में एक भी नुकसान नहीं हुए, हमारे हिंदुओं के घरों में कैसे नुकसान हुए? हमारे माँ सुख बच्चे थे, लड़की थी, वहाँ पे हमला कर लिया, गेट तोड़ दिए, सब नुकसान किया था हमारे घर पे। आप चाहते हो पुलिस वाले कार्रवाई करे, जो भी दोषी है, चाहे कोई भी? पुलिस वाले भी नहीं आए थे जिस टाइम पे, एकदम से हमला हो गया थे, हमारी जवान जवान लड़की थी, माँ सुख बच्चे थे, सब उगा गए। बस ये अभी पायबंदी आप करो। एक छोटा सा मासूम है, इसके एक मासूम सा बच्चा है, इसके भी उपद्रवियों ने इस तरह से तोड़फोड़ की, क्या हुआ गुड बाबू? किसने मारा बेटा तुम्हें? हना अंतर को पत्थर दिया। पत्थर से? ये देखिए मासूम अभी भी दर्द है, इसको बोल रहा है पत्थर से, पत्थर आके लगा और इसे लगा है। बात केवल एक धर्म के लोगों के बीच के तनाव की नहीं है, बल्कि जिस तरह से पुलिस की इस पूरे मामले में भूमिका सामने आई है, सभी लोग खासे नाराज हैं और चाहते हैं कि जो पुलिस वाले, जब घटना की इनको सूचना मिली थी तो उस वक्त क्यों पुलिस एक्शन में नहीं आई, क्यों वह लगातार खामोशी चल बंदे रही, और रात को क्यों अचानक कुछ उपद्रवी वाले लोग सामने आ जाते हैं और इस तरह से घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं, जिसका खामियाजा पूरे इलाके के लोगों को उठाना पड़ रहा है। गाड़ियां टूटी है, घर के बाहर खड़ी गाड़ियां, क्योंकि गाड़ी खरीदना आज की महंगाई के दौर में कोई आसान काम नहीं होता, और बड़ी मुश्किल से खून पसीने से इन्होंने पैसा जमा करा कर ये गाड़ी खरीदी है। ऐसे में इनके साथ तोड़फोड़ होना निश्चित तौर पर इन लोगों को कहीं ना कहीं डर का माहौल, और चाहते हैं कि जो भी अपराधी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दुष्कर्म को लेकर सभी लोग एकजुट हैं कि जो भी दोषी है उसे सख्त सजा मिले, लेकिन जो इस तरह से घरों के बाहर नुकसान पहुंचा रहे हैं, दोषी को फांसी दे दो अभी। ये देखिए अच्छी बात है, सभी कोई जाति धर्म नहीं है, ये चाहते हैं जो भी दुष्कर्म किया बच्चे के साथ उसे सख्त से सख्त सजा मिले, फांसी तक दे दी जाए। लेकिन इस तरह से जो घटनाएं सामने आ रही है उसके बाद एक बड़ी साजिश की ओर इन लोगों को इंगित करता, और ये चाहते हैं कि इस साजिश के पीछे जो भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि शहर का जो एक एकता की मिसाल वाला माहौल है वह खराब ना हो। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।